हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड विजन विद इनाया। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंडिया के हर घर का हल्के फुल्का ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ते की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब मुंबई का फेमस कांदा बटाटा पोहा। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है और स्कूल के टिफ़िन में देने के लिए या फिर हल्की फुल्की भूख के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पर पोहा ले लेंगे। यहाँ पर मैंने मोटा पोहा लिया है और इसे हम अच्छे से धो लेंगे और धो के हम इसे किसी स्ट्रेनर में या छलनी में रख देंगे। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तुरंत इसको पकाने लगेंगे तो आपका पोहा खिला खिला नहीं बनेगा। इसे अच्छे से धो के आप एक स्ट्रेनर में रख दीजिए आधा घंटे के लिए और आपके पोहा रेडी होगा कुक करने के लिए। अब मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि शायद सनलाइट की वजह से ये मेरा वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया है। अब चलते हैं हम इसे कुक करने की तरफ। सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे। पैन में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें और यहाँ पे मैं 1/2 कप मूंगफली डाल रही हूँ, जिसे हम पीनट भी कहते हैं या सेंगदाने। और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपको इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट में आपके ये एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ये जब ऐसे फटने लगे हल्का सा तब इसको निकाल लीजिए बाहर। कुछ लोग सेंगदाने से कच्चे देना पसंद करते हैं या फिर प्याज के साथ देना पसंद करते हैं, पर मुझे ये थोड़े रोस्ट वाले ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए, हमारे सेंगदाने रेडी हैं। अब हम उसी तेल में आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जब तक ये गोल्डन क्रस्ट नहीं आ जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे हल्का सा। देखिए, इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और इसे 5 मिनट के अंदर ही एक बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा इसमें। तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे एक साइड में रख लेंगे। अब उसी पैन में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जब ये क्रैकल हो जाए तब हमने जो सेंगदाने रोस्ट करके रखे वो इसमें ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ मैं ऐड कर लूँगी यहाँ पे प्याज, जो मैंने 1 कप रफली चॉप करके प्याज रखी है वो ऐड करूँगी। और 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करूँगी। ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची का क्वांटिटी कम रखिए, पर आप अपने लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने फ्राई करके आलू रखे वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इसके जब तक कि प्याज हल्का सा कलर चेंज नहीं कर लेती तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो ज़रूर ऐड कीजिए, इसका सेंट बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कीजिए। 1/4 मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून चीनी ऐड करूँगी। चीनी देने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और हम इन सब मसालों को आलू और सेंगदानी ये सब में बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए, हमारा मसाला रेडी है और आपको कुछ भी नहीं डालना है। अब इसमें हमने जो पोहे को धो के रखा था, देखिए कितने खिले खिले हमारे पोहे रेडी हो गए, उसे अब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे 2 कप पोहा लिया है मैंने और इसे डाल के हम ऊपर नीचे अच्छे से मिला लेंगे इसको। और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिए, हाई मत रखिए, वरना ये नीचे लग भी सकते हैं। देखिए, मसाले हमारे पोहे में अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब इसकी लीड लगा के हम इसे 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे। देखिए, 8 मिनट हो गए हैं, हमारा पोहा सर्व करने के लिए रेडी है। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और लास्ट में हम यहाँ पे लेमन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर अगर आप खट्टा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और लेमन का टेस्ट हमारे पोहे में अच्छे से चले जाए इसलिए हम इसकी लीड लगा कर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। हमारा गर्मा गर्म पोहा रेडी है। इसे बनाइए और आप लोग खा के देखिए, आप लोगों को सच में बहुत पसंद आएगा। इसे लोग बहुत तरह से सर्व करते हैं। कुछ लोग इसे आलू भुजिया के साथ खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे भुगनी जो होती है या फिर चना होता है उसके साथ भी खाना पसंद करते हैं। मैं इसे ऐसे ही सिंपल ही सर्व करूँगी और आप लोग मेरे कहने पर इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।